सिरसा जेसीडी विद्यापीठ में जेसीडी शिक्षण महाविद्यालय के सौजन्य से दूसरे दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन विज्ञान प्रबंधन शिक्षा और प्रौद्योगिकी में हाल के शोध और नवाचार विषय का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा के कुलपति डॉक्टर आर के कोहली ने शिरकत की। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नाइजीरिया से आए प्रोफेसर सालिह अहमद एवं मोहम्मद अब्बा अलकली ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। खुशी है कि ये जेसीडी इंस्टीट्यूशन ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो एजुकेशन साइंस इनोवेशन मैनेजमेंट के ऊपर एक इतने बड़े विषय के ऊपर दो दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। एक और खुशी का कारण है कि इन्होंने कहीं से मदद नहीं ली, खुद ही अपने इनिशिएटिव से ही अपने पैसों से ही इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। ये एक बहुत बड़ा विषय है कि हमारे एजुकेशन सेटअप में जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन इट शुड इम्प्रूव, ऐसा मैं मानने की कोशिश की जा रही है, जाके सच नहीं है कि हमारी एजुकेशन सेक्टर हायर एजुकेशन में इम्प्रूव नहीं हो रही, इम्प्रूव हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। तो मुझे यहाँ पर इन्होंने इनॉग्रेट करने के साथ साथ एक की नोट का मतलब है जो कुछ सारा कुछ जो इशू है उन सब के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालूं। मैं कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड की सीईओ हूं। द कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड आज एक कॉन्फ्रेंस कर रही है सिरसा में। हमारा एक पर्पस है हरियाणा को चूज़ करने का, क्योंकि लोगों को लगता है हरियाणा शायद रिसर्च के काम में पीछे है, लेकिन हरियाणा इज़ टॉप मोस्ट अमंग द रिसर्च। और आज हम 8 घंटे के बाद कंक्लूड करते हैं कि शायद आज सोसाइटी के लिए, समाज के लिए आज हम एक अच्छी रिसर्च को कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें। सो दिस इज़ फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड, एक ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ कॉन्फ्रेंस सिरसा में करवा रही है। लगभग 150 लोगों ने पेपर्स हमारे यहाँ सबमिट किए हैं, 150 लोग हाथ सबमिट करेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट से बहुत पेपर आए, रिसर्च हमने साइंसेस में करी है, फार्मेसी के पेपर हैं, आज कुछ नाइजेरियन फॉरनर्स भी हमारे साथ कॉन्फ्रेंस में हैं।